हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। भाई, घूमना फिरना भला किसे पसंद नहीं होता। आजकल हर कोई दूसरे देश में जाकर वहां की चीजों को, वहां के लोगों को एक्सप्लोर करना चाहता है, उस जगह के बारे में और जानना चाहता है। हो सकता है कि आप भी विदेश में घूमने का मन बनाए बैठे हो, लेकिन बजट और वीजा की टेंशन आपको मुश्किल में डाल रही हो, और विदेशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत होती है और वीजा के लिए घंटों की लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कई लोग तो विदेश में जाने का सपना सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका वीजा कभी बन भी नहीं पाता, तो कभी रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप भी इसी टेंशन से जूझ रहे हैं तो आपको बता दें कि आज हम आपको अपने इस वीडियो में दुनिया के उन 5 देशों के बारे में बताएंगे जहां जाने के लिए इंडियंस को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं उन देशों की सुहानी सफर पर। नंबर 1 इज डोमिनिका। दोस्तों, हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम है डोमिनिका का। ये दुनिया की ऐसी कंट्री है जो हम इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री देती है और अपने खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने का मौका भी देती है। डोमिनिका का नाम सुनकर इसे कम मत आंकिएगा क्योंकि ये बेहद ही शानदार और रंगों से भरा देश है। नॉर्थ अमेरिका में बसे इस देश को एक कैरेबियन देश माना जाता है। इस देश की ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, झीले और सुंदर वादियों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। ये देश आपको खूबसूरती के मामले में तो बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। अगर आप यहां जाते हैं तो आपको पलक झपकने का भी मन नहीं करेगा। एक से बढ़कर एक झीलों से ढके इस देश में एंटीक्विलो नाम की झील सबसे बड़ी झील है और याकुएल डेल नोटे इस देश की सबसे बड़ी नदी है। 48,315 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला यह देश 1 जुलाई 1965 को अमेरिका से आजाद हुआ था और तभी से एक मुक्त और आत्मनिर्भर जिंदगी जी रहा है। यहाँ के लोग काफी ओपन माइंडेड है। खासकर यहाँ आपको ज्यादा खुले विचारों की महिलाएं मिलेंगे। वो अपनी शर्तों पर जीना ज्यादा पसंद करती है। आपको बता दें कि यहाँ आधी से ज्यादा महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट है। डोमिनिका एक ऐसा देश है जो एक हॉलीवुड मूवी की वजह से लोगों की नजरों में आया और इस मूवी के बाद ही यहाँ के लोगों ने बड़ी संख्या में आना शुरू किया। जी हाँ, अगर आप फिल्मों के शौकीन नहीं भी हैं, तब भी आपने हॉलीवुड की सबसे फेमस फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के बारे में सुना या उसे देखा होगा। इस मूवी की शूटिंग डोमिनिका में भी हुई थी और इस मूवी के बाद इस देश में टूरिज्म काफी मात्रा में बढ़ गया। वैसे अगर आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं तो यहाँ आपको हॉट स्प्रिंग्स और बीच का भी मजा मिलेगा। और अगर आप एक इंडियन हैं और आप भी डोमिनिका में घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आप यहां लगभग 180 दिन यानी तकरीबन आधे साल के लिए वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। तो है ना ये कमाल का देश। नेक्स्ट इज इक्वाडोर। दोस्तों, साउथ अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर कंट्री यानी इक्वाडोर आज के हमारे इस लिस्ट में यानी हर इंडियंस को वीजा फ्री सैर करवाने की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है। यूं तो इस देश की ऑफिशियल भाषा स्पेनिश है, लेकिन इसके बाद भी यहां की सरकार ने लगभग 30 भाषाओं को राष्ट्रीय दर्जा दिया हुआ है। घूमने की बात की जाए तो ये देश अपने सुंदर नजारों से और रंग बिरंगे घरों से आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। वैसे तो इस देश में 95% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक मान्यता नहीं दी गई है। अगर आप एक इंडियन हैं और इस खूबसूरत से देश की सैर करना चाहते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वाडोर भी आपको वीजा फ्री एंट्री देता है और यहाँ के मार्केट सबसे हटके चीजों के साथ आपका स्वागत करते हैं। इक्वाडोर के लोगों को भी काफी सपोर्टिव माना जाता है और यहाँ का क्राइम रेट भी काफी कम है, यानी ये आपके लिए एक सेफ कंट्री भी है। ऊपर से यहाँ टूरिज्म भी अच्छा खासा है। अगर आप इस देश में वीजा फ्री एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ आप 90 दिन यानी 3 महीनों तक ठहर सकते हैं। इक्वाडोर अपने फूड प्रोडक्शन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और ये देश केले का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश भी है। ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या अच्छी होने की वजह से यहाँ चर्च की संख्या भी अच्छी है। ये बेहद खूबसूरत है ये देश, बेशक आपके लिए एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नंबर पर। नेक्स्ट इज फिजी। दोस्तों, हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आए फिजी देश को अगर हम मिनी इंडिया कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ लगभग 40% जनसंख्या इंडो फिजन है, यानी वो लोग जो भारतीय हैं लेकिन फिजी में रहने की वजह से अब वो वहाँ के हो चुके हैं। इस देश में आपको ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग देखने को मिलेंगे। अब चूंकि यहाँ हिंदुओं की बड़ी संख्या है, इसीलिए इस देश में हिंदुओं के मंदिर भी देखने को मिलते हैं। वैसे यहाँ सबसे बड़े हिंदू मंदिर की बात की जाए तो वो नादी शहर में है, जिसे श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यहाँ इतने हिंदू कैसे पहुँचे तो आपको बता दें कि जब इस कंट्री पर एक समय पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हुआ करता था, तब वो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर मजदूरी के लिए हिंदुस्तानियों को यहाँ लेकर आए थे और 5 साल बाद उन्हें ऑप्शन दिया गया था कि वो चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं और चाहे तो यहीं रह सकते हैं, जिसके बाद कई इंडियंस वहीं बस गए और आज इंडो फ्यूजन
कहलाते हैं। यूं तो ये देश 333 आइलैंड्स से मिलकर बना है, लेकिन इसके लिए सिर्फ 100 के आसपास ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। इस देश का कल्चर, त्योहार और संस्कृति सब कुछ लगभग भारत जैसा ही है। भारत के अलावा रामनवमी, होली और दिवाली जैसे त्योहारों को अगर कहीं पूरे जोश के साथ मनाया जाता है तो वो फिजी ही है। ये देश इतना खूबसूरत है कि यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग घूमने जाते हैं, और शुगर एक्सपोर्ट के अलावा टूरिज्म इस देश की इकोनॉमी को तगड़े से सपोर्ट करता है। अगर आप एक इंडियन हैं और फिजी की सैर करना चाहते हैं तो बेशक आप अपना ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं। 3 ऑफिशियल लैंग्वेज वाले इस देश में इंडियंस को वीजा फ्री बुलाया जाता है, और बिना वीजा के भी यहाँ इंडियंस 120 दिनों तक रह सकते हैं, घूम सकते हैं और फुल एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि फिजी पूरी तरह से प्राकृतिक नजारों से भरा हुआ है। यहाँ पर कई सारी झीलें, कई सारे आइलैंड्स और तरह तरह की सांस्कृतिक विविधता है, जिसको देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। नेक्स्ट इज इंडोनेशिया। दोस्तों, दुनिया भर में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम से मशहूर इंडोनेशिया आज की हमारी लिस्ट में 4th नंबर पर खड़ा है। अगर आप इंडियन हैं तो इंडोनेशिया आपका बिना वीजा के दिल खोले स्वागत करता है, और अपने सुंदर वादियों और रोचक तथ्यों से लोगों को हैरान भी करता है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल यानी रेफ्लेसिया अर्नोल्डी इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। आपको बता दे कि इस एक फूल का वजन लगभग 7 किलोग्राम तक होता है, यानी एक छोटे से बेबी से भी ज्यादा, और ये फूल सिर्फ इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में ही पाया जाता है। इस देश की कैपिटल सिटी है जकार्ता, जो बेहद ही खूबसूरत मानी जाती है। अगर आप बप्पा के भक्त हैं तो बता दो कि इंडोनेशिया में नोटों पर गणेश जी की मूर्ति देखने को मिलती है। यूं तो ये देश लगभग 17,000 से भी ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन इसके बाद भी इंडोनेशिया के सिर्फ 6,000 द्वीपों पर ही आबादी बसती है, जबकि बाकी द्वीप घने पेड़ से घिरे हुए हैं। यहाँ का जावा द्वीप 14 करोड़ आबादी के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप बना हुआ है। अगर आपने रिंग ऑफ फायर का नाम सुना हो तो आपको बता दें कि इंडोनेशिया द्वीप समूह इसी के ऊपर फैला हुआ है, और हल्के फुल्के भूकंप के झटके तो यहाँ रहने वालों के लिए आम बात है। इंडोनेशिया में लोग सिर्फ घूमने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि यहाँ विदेश के लोग नौकरी करने के लिए भी आते हैं। इस देश में इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ हिंदू और ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी है, और अगर आप एक हिंदू हैं तो आप बाली द्वीप को जरूर घूमें, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा आइलैंड है जहाँ हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि यहाँ लगभग 8 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। वैसे अगर आप अपने पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं तो यहाँ की सड़कों पर किस करने का मत सोचिएगा, क्योंकि ऐसा करना यहाँ गैर कानूनी है और साल 2004 में ही बैन किया जा चुका है। यहाँ जाना हम इंडियंस के लिए बहुत सस्ता है, बिना वीजा, ऊपर से खर्चा भी कम। सही है यार, वैसे आप यहाँ बिना वीजा 30 दिनों तक रह सकते हैं, यानी लगभग एक महीना, जो मस्ती करने के लिए काफी है। नेक्स्ट इज मॉरिशस। दोस्तों, अपने खूबसूरत वादियों और कल्चर के लिए पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखने वाला देश मॉरिशस भी इंडिया को फ्री वीजा एंट्री देता है। सबसे सुंदर देशों की लिस्ट में शामिल मॉरिशस इंडियंस को बिना वीजा के अपने देश में एंट्री देता है और उनका सम्मान भी करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहां आपको पराया जैसा महसूस होगा तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि मॉरिशस में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यहां के लगभग 51% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदुओं के अलावा और भी कई धर्मों के लोग मॉरिशस में रहते हैं, जिनके लिए अपना धर्म, कल्चर, संस्कृति काफी महत्व रखती है, बिल्कुल हम इंडियंस की तरह। डाइवर्सिटी, बीच और सुंदर वादियों के अलावा ये देश है मल्टी एथनिक और मल्टी कल्चरल पॉपुलेशन वाला देश। सबसे खास बात है कि यहाँ जाने के लिए आपको वीजा के झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मामले में दुनिया भर में फेमस इस कंट्री में फ्रेंच और इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। शुगर केन यानी गन्ने के लिए अपनी अलग पहचान बनाने वाला इस देश में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि अगर आप एक भारतीय हैं और वीजा फ्री इस देश में एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ आप पूरे 90 दिनों तक आराम से रुक सकते हैं, मतलब आपके 3 महीने मॉरिशस में बिना वीजा के कट जाएंगे, लेकिन उसके बाद के लिए आपको इंतजाम करना पड़ेगा। आपको बता दें कि पासपोर्ट की रैंकिंग के मामले में मॉरिशस 30वें नंबर पर आता है। वैसे सुंदर बीचों से सजे इस देश की खूबसूरती से जुड़ी एक और बात बताते हैं। अगर आप कभी मॉरिशस जाएं तो यहाँ एक टीला है जो बहुत ही सुंदर 7 रंगों से सजा हुआ है, जो देखने में रेनबो की तरह नजर आता है, इसलिए आपको ये टीला जरूर देखना चाहिए। आपकी ट्रिप सफल हो जाएगी कसम से। 2040 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले इस देश की जनसंख्या लगभग 13 लाख है, और यहाँ की राजधानी है पोर्ट लुई, और कैपिटल सिटी में मॉरिशस की सबसे ज्यादा आबादी बसती है। यहाँ के लोगों की औसतन उम्र है 70 से 75 साल, और दुनिया में अगर आप एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन की तलाश में है तो मॉरिशस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ऊपर से यहाँ तो हम इंडियंस के लिए वीजा की भी जरूरत नहीं है, तो है सोने पे सुहागा, पर हाँ, आप अपने जरूरी कागजात जरूर साथ में लेकर जाइए। तो दोस्तों, ये थे वो 5 देश जहाँ जाने के लिए इंडियंस को वीजा लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या कभी आपने घूमा है इन 5 देशों में से किसी
एक देश को। अगर घूमे हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।